आगे बढ़ेंगे, बात भोपाल की करेंगे जहां साइबर तहसील का शुभारंभ स्थगित कर दिया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे दें, लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। अपरिहार्य कारणों से आपको बताते चले कि कार्यक्रम स्थगित हुआ है, कार्यक्रम की अगली तारीख जल्द जो है जारी की जाएगी। तो भोपाल से ये खबर आपको बता दें जहां पर साइबर तहसील का शुभारंभ होना था लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रंजना फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रंजना, क्या कारण बताया जा रहा है कि ये जो पूरा कार्यक्रम है स्थगित कर दिया गया है? जी, फिलहाल जो साइबर तहसील का शुभारंभ आज होना था सिर्फ उस कार्यक्रम में आज तब्दीली की गई है। वो जो कार्यक्रम है वो फिलहाल अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है, लेकिन खरगोन में जिस तरीके से सीएम के बाकी कार्यक्रम है वो यथावत रहेंगे, चाहे वो विकास कार्यों की सौगात की बात कहें या फिर जो संभागीय बैठक की बात करें जिसमें अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की चर्चा होगी, और जो रोड शो है वो सारी कार्यक्रम यथावत रहेंगे। लेकिन आज का ये जो साइबर तहसील के शुभारंभ का ये जो कार्यक्रम था जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शामिल होना था, उनके आने की जो ना आने की जो सूचना है वो एक दिन पहले ही हो गई थी कि ये कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि शायद केंद्रीय गृह मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, और इसी वजह से ये जो कार्यक्रम है फिलहाल स्थगित किया गया है, और जल्द ही इस कार्यक्रम की जो नई तारीख है वो जारी की जाएगी और उसके बाद साइबर तहसील का जो शुभारंभ है वो किया जाएगा। फिलहाल के लिए ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, जल्द ही नई तारीख सामने आएगी और उसके बाद साइबर तहसील का शुभारंभ होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।